By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि कृतिका बुक से है। चैप्टर नंबर 1, माता का आंचल। ये कहानी जो है ये मातृ प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है। इस कहानी के अंदर बताया गया है किस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सारी दुनिया खुशियाँ, सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल तले ही उन्हें मिलती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। शिव पूरन साई जी, जिनका नाम बचपन में तारकेश्वर नाथ था, उन्हें घर के अंदर भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। मतलब भोलानाथ उनका निकनेम था। आप लोगों के घर के निकनेम क्या हैं, फटाफट कमेंट ज़रूर करना। तो भोलानाथ अपने पिता को बापूजी और माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिक समय अपने पिता के साथ ही गुजरता था। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उन्हीं के साथ जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ भगवान की पूजा अर्चना भी किया करते थे। वो अपने बापूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहुत खुश होते थे और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते थे। मतलब वो जो तिलक लगा होता था ना, उसे देख के बहुत खुश होते थे। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उनके ऊपर जाती थी, उसके पिताजी देखते थे, तो भोलानाथ शर्मा जाते थे और थोड़ा सा मतलब उसके बाबूजी भी मुस्कुरा देते थे कि देखो कैसे ये शर्मा रहा है। तो यही चीज़ आगे बढ़ती जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम का नाम लिखकर कागज के ऊपर और पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बापूजी के कंधे पे बैठ के गंगा जी के पास जाते थे। वहां पर वो आटे की जो गोलियां हैं उन्हें मछलियों को खिला देते थे। तो ये आटे की गोलियां हैं जो मछलियों को खिलाई जाती है, तो वो फिश फूड वगैरह तब नहीं होता था, तो आटे की गोलियाँ ही दे देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर पर वापस आते थे। भोलानाथ की माँ उन्हें बड़े ही प्यार से पक्षियों का नाम ले लेके निवाला बनाकर बड़े ही प्यार से खाना खिलाया करती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड़ प्यार करती थी। वो कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती थी, तो कभी ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सर में सरसों का तेल लगाकर मालिश करती थी और उन्हें चंपू बना देती थी। तो ये चंपू बन जाते ना जब पूरा हेड पे ऑयली ऑयल हो जाता है, तो उस टाइप से। वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे इसलिए बात बात पर रोने लगते थे। इस बात पर बाबूजी को भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे। बोलते थे, अरे तुमने ऐसा क्यों करा, क्यों रुला दिया इसको, इसकी क्यों मालिश कर रही हो। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छी तरीके से सवार कर, उनके अच्छे से गुत बनाकर और लट्टू वगैरह लगाकर ऐसे कर देती थी जैसे कि भोलानाथ कन्हैया जैसे लगे। उनको टोपी वगैरह अच्छी सी पहनाकर, कपड़े भी अच्छे से पहनाकर, भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बहुत मौज मस्ती और तमाशे करते थे। तमाशा मतलब कि नाटक टाइप समझ लो आप, ठीक है। इसमें तरह तरीके के नाटक शामिल थे, जैसे कि चबूतरे का कोई कोना ही उन्होंने अपना नाटक घर बना लिया। वहीं पे सब बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। कभी बापूजी के नहाने वाली जो चौकी है उसे ही अपना रंगमंच बना लिया और उसी रंगमंच पे सारे काम होने लग जाते थे। आप देखोगे तो अलग अलग चीज़ें वो करने लग जाते थे। मिट्टी से भी कई चीज़ें वो बना लेते हैं, मिट्टी की मिठाइयाँ। मतलब जैसे बच्चे नाटक में बना लेते थे कि मिट्टी की मिठाइयाँ बन गई, अब कोई उनको ख़रीदने आएगा, वो पैसे देगा, तो पूरा बच्चे अच्छे से नाटक करते थे। और फिर जिस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसे भी बच्चे लिया करते थे मिठाइयों को ख़रीदने वाले से कि लाओ दो पैसे, दो पैसे दो, तो वो पैसे भी असली नहीं होते थे, नकली के ही होते थे। तो भोलानाथ के बापूजी भी कभी कभी वहाँ से ख़रीदारी कर लेते थे। मतलब बच्चों के साथ वो भी कभी कभी खेल के अंदर शामिल हो जाते थे और बच्चों से कहते थे कि ये लो बेटा पैसे लो, मुझे भी दे दो कुछ। ऐसे ही नाटक कभी कभी और बढ़ता जाता था और घरौंदा बना दिया जाता था। घरौंदा मतलब कि जिसमें घर की सारी सामग्री हुआ करती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकाला करते थे जिसमें तंबूर और शहनाई भी बजाए जाते थे। दुल्हन को भी विदा कर लिया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसकर भाग जाते थे, क्योंकि भैया दुल्हन का घूंघट क्यों उठा के देखा बाबूजी ने, इस चीज़ पे उन सबको हंसी आ जाती थी। बाबूजी भी बच्चों के खेल के अंदर भाग लिया करते थे और बहुत आनंद उठाया करते थे। बाबूजी बच्चों से कभी कभी कुश्ती के अंदर जानबूझ के हार जाया करते थे और इसी हंसी खुशी के अंदर
भोलानाथ का पूरा बचपन मजे से बीत गया। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी बड़ी जोर की आंधी आई और पूरा आकाश ढक गया। पूरे आकाश से जोर जोर से बारिश की बूंदें गिरने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई तो आसपास बाग के बिच्छू निकल आए। बिच्छू को देखकर सारे बच्चे डर गए और फौरन भागने लगे। रास्ते के अंदर उन्हें मिल जाते हैं मुसन तिवारी। तो भोलानाथ का जो एक दोस्त था बैजू, वो उन्हें चिढ़ा देता है, ए अंकल ए। और ये देखकर सारे बच्चे मुसन तिवारी को चिढ़ाने लगते हैं, वो देखो मुसन तिवारी ए, 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 ए। तो ऐसे करके वो चिढ़ाते हैं तो मुसन तिवारी को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से सीधे पाठशाला पहुंच जाते हैं। पाठशाला में वो गुरुजी से शिकायत करते हैं, क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को, बिल्कुल भी इन्हें तमीज नहीं है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा इन बच्चों ने ऐसा करा, रुको अभी मैं स्कूल में इन्हें सबको बुलाता हूँ। तो वो आदेश देते हैं कि इन सब बच्चों को पकड़ के यहाँ पर लाया जाए। सभी को पकड़कर स्कूल पहुँचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी, पिटाई हुई सबकी। जब बाबूजी तक ये खबर पहुंची तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला चले गए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया और रोते रोते बोला, बाबूजी बाबूजी, रोने लगा और उनका पूरा कंधा भिगा दिया। गुरुजी के मान मिनती करके बाबूजी ने जैसे तैसे करके भोलानाथ को घर वापस लेकर आए। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्हें अपनी मित्र मंडली या फिर अपने फ्रेंड्स का ग्रुप दिखा तो वो सारा रोना धोना भूलकर अपने दोस्तों के ग्रुप के अंदर दोबारा शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब वो चिड़ियों को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्हें एक बिल दिखा तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस बिल से चूहे को बाहर निकाला जाए, पानी डालते हैं इस बिल के अंदर तो चूहा बाहर निकलेगा। उन्होंने ऐसा ही करा, लेकिन चूहा उस बिल से नहीं निकला बल्कि एक सांप निकल गया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे जोर से, गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहा करते थे, वो अब बाबूजी के पास ना जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर उनकी माँ भी घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ करा और उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता की मजबूत बाहें का सहारे से ज़्यादा अपनी माँ का आंचल सुरक्षित लगा, तो वो अपनी माँ के पास चले गए और महफूज तरीके से वहाँ पर बैठे रहे। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं जनरली, अब टेंथ में आप लोग आ गए हो तो लगता है भाई बहुत बड़े हो गए, अब क्या मम्मी की बात सुनने की ज़रूरत है, पापा की बात सुनने की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा पेरेंट्स ही काम आते हैं। और एक मदर से जो अटैचमेंट होता है वो एक अलग लेवल का होता है, तो यहाँ पर वही बताया है। तो इस स्टोरी के अंदर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आखिर भोलानाथ और उसके दोस्त जो थे भोलानाथ के, उन्होंने किसको चिढ़ाया था, नाम बताइए उस पर्सन का। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।